स्वागत है आपका टुडे करंट अफेयर्स में। शुरू करते हैं आज का प्रश्न। राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2024 में प्रथम पुरस्कार किसने जीता? ए वैष्णव पिचाई, बी यतिन भास्कर दुग्गल, सी ओम बिरला, डी कनिष्क शर्मा। आंसर, बी यतिन भास्कर दुग्गल। एक्सप्लेनेशन, हरियाणा के यतिन भास्कर दुग्गल ने राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2024 में प्रथम पुरस्कार हासिल किया, जबकि तमिलनाडु की वैष्णव पिचाई और राजस्थान की कनिष्का शर्मा ने क्रमशः दूसरा और तीसरा पुरस्कार जीता। अगला प्रश्न, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिए जाते हैं? ए संगीत, नृत्य, नाटक और लोक कला सहित कई क्षेत्र। बी केवल संगीत, सी साहित्य, डी केवल नृत्य। आंसर, ए संगीत, नृत्य, नाटक और लोक कला सहित कई क्षेत्र। एक्सप्लेनेशन, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 6 मार्च 2024 को नई दिल्ली में 94 प्रतिष्ठित कलाकारों को वर्ष 2022 और 2023 के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार प्रदान किए। संगीत, नृत्य, नाटक, लोक और आदिवासी कला, कठपुतली और संबद्ध थिएटर कला रूपों जैसे विभिन्न क्षेत्रों में पुरस्कार दिए गए। अगला प्रश्न, भारत के लिए 100 टेस्ट मैच खेलने वाले 14वें खिलाड़ी कौन बने हैं? ए रविंद्र जडेजा, बी विराट कोहली, सी रोहित शर्मा, डी रविचंद्रन अश्विन। आंसर, डी रविचंद्रन अश्विन। एक्सप्लेनेशन, रविचंद्रन अश्विन भारत के लिए 100 टेस्ट मैच खेलने वाले 14वें खिलाड़ी बन गए। उन्होंने यह उपलब्धि धर्मशाला के हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में इंग्लैंड के खिलाफ 5वें टेस्ट के दौरान हासिल की। साल 2011 में नई दिल्ली में वेस्टइंडीज के खिलाफ टेस्ट क्रिकेट में पदार्पण करने वाले अश्विन 100 टेस्ट मैच खेलने वाले तमिलनाडु के पहले खिलाड़ी भी बन गए हैं। रविचंद्रन अश्विन के अलावा इंग्लैंड के जॉनी बेयरस्टो भी इंग्लैंड के लिए अपना 100वां टेस्ट मैच खेल रहे हैं। अगला प्रश्न, भारतीय नौसेना ने लक्षद्वीप के किस द्वीप पर अपने नए बेस की स्थापना की है? ए कवारत्ती, बी चेतलाट द्वीप, सी मिनिकॉय द्वीप, डी अगत्ती द्वीप। आंसर, सी मिनिकॉय द्वीप। एक्सप्लेनेशन, भारतीय नौसेना ने हिंद महासागर क्षेत्र में अपनी परिचालन क्षमताओं को बढ़ाने के उद्देश्य से लक्षद्वीप के मिनिकॉय द्वीप में अपना नया बेस INS जटायु स्थापित किया है। इससे पहले नौसेना ने लक्षद्वीप के कवारत्ती में INS द्वीपरक्षक की स्थापना की थी। नौसेना प्रमुख एडमिरल आर हरि कुमार ने लक्षद्वीप में दूसरे नौसैनिक अड्डे का उद्घाटन किया। अगला प्रश्न, हाल ही में किस देश ने अपनी मुद्रा का अवमूल्यन किया है? ए भूटान, बी मिस्र, सी पाकिस्तान, डी इराक। आंसर, डी मिस्र। एक्सप्लेनेशन, केंद्रीय बैंक द्वारा ब्याज दर में भारी बढ़ोतरी के बाद मिस्र ने साल 2022 की शुरुआत से चौथी बार अपनी मुद्रा का अवमूल्यन किया है। मिस्र ने अपनी मुद्रा में 35% से अधिक का अवमूल्यन किया है। मिस्र पूर्वोत्तर अफ्रीका को मध्य पूर्व से जोड़ने वाला देश है। इसकी राजधानी काहिरा है और यहाँ की मुद्रा मिस्र पाउंड है।